क्लास 11 हम आपको पढ़ा रहे थे लेसन 3 जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे जगत मोनेरा यानी कि किंगडम मोनेरा। हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था जगत मोनेरा का वर्गीकरण तथा उनकी खोजें और उनके लक्षण कि वह किस प्रकार से पहचाने जा सकते हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। आज हम उसी के आगे आपको बताएंगे जीवाणुओं के प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग है जानी के जीवाणुओं के प्रकार टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्या है ये आज हम जानेंगे। तो लिखेंगे जीवाणु विभिन्न आकृतियों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जीवाणु विभिन्न आकृतियों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर एक हेडिंग डालेंगे गतिशीलता के आधार पर। नंबर एक गतिशीलता के आधार पर यानी कि जीवाणुओं को सबसे पहले हम गति के आधार पर देखेंगे कि वह किस प्रकार से गति करते हैं किस प्रकार से वह आगे बढ़ते हैं। तो ये गतिशीलता के आधार पर लिखेंगे जीवाणु गतिशीलता के आधार पर चल तथा अचल दोनों प्रकार के होते हैं। यानी कि इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये चल तथा अचल दोनों प्रकार के होते हैं यानी कि चल भी सकते हैं और एक स्थान पर स्थित भी रहते हैं। जब एक स्थान पर स्थित रहते हैं तो इन्हें हम अचल कहते हैं। तो ये चल तथा अचल दोनों प्रकार के होते हैं। चल बीजाणु कशाव की सहायता से प्रचलन करता है। चल जीवाणु कशाव की सहायता से प्रचलन करता है यह निम्न प्रकार का होता है। यह निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहले नंबर एक आकशावी। लिखेंगे इनमें कशाव अनुपस्थित होता है। जैसे पास्चुरेला कॉमा लैक्टोबैसिलस लिख लिया सभी ने। तो ये किस प्रकार से होते हैं कशावी होते हैं। जैसे कौन कौन से जीवाणु पास्चुरेला हुआ लैक्टोबैसिलस। दूसरी है एक कशावी यानी इनमें एक ही कशाव होता है। एक कशावी में लिखेंगे इसके सिरे पर एक कशाव होता है। यानी कि जीवाणुओं के सिरे पर एक कशाव होता है जैसे विब्रियो कोलेरी कोलेरी कॉमा थायोबैसिलस कोलेरी कॉमा थायो
नंबर थ्री लिखेंगे उभयकशाभी, नंबर थ्री उभयकशाभी, उभयकशाभी, उभयकशाभी में लिखेंगे। उभय का मतलब होता है दोनों, दोनों ओर, एक में एक तरफ था इसमें दोनों ओर है, तो दोनों सिरों पर एक एक कसाब होता है। इनके दोनों सिरों पर, इनके दोनों सिरों पर एक एक कसाब होता है, इनके दोनों सिरों पर एक एक कसाब होता है। जैसे एक्वा एक्वा स्पाई री लियम, जैसे एक्वा स्पाइरिलियम सर्पेंस, सर्पेंस एक्वा स्पाइरिलियम सर्पेंस। अगले इसी की है कुछ कशाभी, कुछ कशाभी से आपको समझ में आ रहा है गुच्छे के रूप में, गुच्छ कशाभी, गुच्छ कशाभी सही आपको समझ में आ रहा होगा। लिखेंगे ये इनमें एक या दोनों सिरों पर, इनमें एक या दोनों सिरों पर, दोनों सिरों पर कशाबों का समूह होता है, दोनों सिरों पर कशाबों का समूह होता है। जैसे स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास फ्लोरीसेंस, 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 नोट कर लीजिए स्यूडोमोनास फ्लोरीसेंस। अगला है आपका परीकशाभी, अगला है परीकशाभी, परीकशाभी, परीकशाभी में लिखेंगे संपूर्ण शरीर पर कशाब, यानी कि जो इसका शरीर होगा, मान लो ये है और इसके शरीर पर ही पूरा क्या होगा इस तरीके से कशाब उपस्थित होंगे, तो ये क्या कहलाएगा परिकशाभी। उदाहरण क्लास्ट्रिडियम, क्लासीट्रिडियम, क्लासीट्रिडियम, क्लासी ट्रिडियम एस्चेरिचिया, एस्चेरिचिया, एस्चेरिचिया लिखेंगे। तो ये आपका हो गया है, तो इसका हम डायग्राम आपको बना रहे हैं, आप डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले देखिए हम आपको इस तरीके से बना रहे हैं, आपको ऐसे नहीं बनाना, आप लंबे लंबे ऐसे बनाइए, ठीक है, आप ऐसे लंबे में बनाइए, 1, 2, 3, 4 आपने ऐसे बना दिए स्पेस की वजह से। तो सबसे पहले जो हमारा एक कशाभी है उसे हम बता रहे हैं आपको, गुच्छ कसा।
उपस्थित हैं। तो इसे हम कहेंगे कोशिका सापेक्ष। और इसके बाद है परिकोशिकीय का मतलब है कि पूरे शरीर पर, तो ये मान लीजिए आपका वायरस बन गया, जीवाणु बन गया और इसके पूरे शरीर पर क्या निकल आए, कशा। तो इसे हम क्या कहेंगे, परिकोशिकीय। नोट कर लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए सभी स्टूडेंट। बन गया, बनाओ इसे, इसमें क्या दिक्कत है। तो देखिए आप, एक कशाग्य, अकशाग्य, एक कशाग्य हो गया, अभय कशाग्य हो गया, उच्च कशाग्य हो गया और परिकशाग्य हो गया। तो ये कैसे हो गए जीवाणुओं के प्रकार, कैसे, गतिशीलता के आधार पर, क्योंकि इनसे ही ये क्या करते हैं, गति करते हैं, चल चल कर गति करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी गतिशीलता के आधार पर हो गए। अब इसके आगे अगले नियम से पढ़ा रहे हैं, उसे लिखेंगे। तो दूसरी हेडिंग है, उसका नाम है आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। अभी यानी कि गति के आधार पर आपने पढ़ा, अब आकार के आधार पर कि इनका आकार कैसा है। लिखें, इनकी लंबाई 2 से 5 माइक्रोमीटर तक होती है, इनकी लंबाई 2 से 5 माइक्रोमीटर तक होती है, इनकी लंबाई 2 से 5 माइक्रोमीटर तक होती है। सबसे कम लंबाई का जीवाणु, सबसे कम लंबाई का जीवाणु डायलिस्टर न्यूमोसिंटीज, डायलिस्टर न्यूमोसिंटीज होता है, न्यूमोसिंटीज होता है, तथा सबसे लंबा जीवाणु, तथा सबसे लंबा जीवाणु स्पाइरिलम बालूटेंस होता है, स्पाइरिलम बालूटेंस होता है, तथा सबसे बड़ा जीवाणु बेजियाटोआ मिराबिलिस होता है, बेजियाटोआ मिराबिलिस होता है। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, यदि नंबर एक कोकस, इनमें निम्न प्रकार के जीवाणु आते हैं, इनमें निम्न प्रकार के जीवाणु आते हैं, जो इस प्रकार हैं, नंबर ए माइक्रोकोकस,
इसमें लिखेंगे ये अलग अलग रहते हैं, ये अलग अलग रहते हैं, जैसे माइक्रोकोकस एपिलिस, जैसे माइक्रोकोकस एपिलिस। नंबर बी लिखेंगे डिप्लोकोकस, नंबर बी डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। अब देखिए डिप्लोकोकस प्रकार के जीवाणु हैं, तो ये दो के समूह में रहते हैं, ये दो के समूह में रहते हैं। देखो इनमें कैसे थे, ये देखिए अलग अलग है और ये दो के समूह में है। तो ये कौन से हो गए, डिप्लोकोकस, ये दो के समूह में रहते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैकिटस, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस 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 लैकिटस, लैकिटस। नंबर डी, डी सी पर आएंगे, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। और इसका ये भी है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस लैकिटस, स्ट्रेप्टोकोकस लैकिटस। तो ये आपने देखा कि ये जो थे ये दो के समूह में थे। अभी हम आपको सारी चीजें बना के बता देंगे, जब तक आप यही नोट करें स्ट्रेप्टोकोकस लैकिटस। चौथा आपका है टेड ड्राई, टेड टेट्राड, टेट्राड है, ये चार के समूह में रहते हैं, ये चार के समूह में, ये चार के समूह में रहते हैं, ये चार के समूह में रहते हैं, जैसे निशेरिया, जैसे निशेरिया, जैसे निशेरिया। अब आया नंबर ई, जैसे निशेरिया, नंबर ई सशरणी, सशरणी, सशरणी। ये लिखेंगे ये 8 से 64, ये 8 से 64, यानी इस तरीके से लिखेंगे ये 8 से 64 या अधिक के, या अधिक के समूह में रहते हैं, या अधिक के समूह में रहते हैं, जैसे ससेरना लूटिया, जैसे ससेरना लूटिया, ससेरना लूटिया। अगला है, लास्ट है, इसका नाम है स्टे फाइको लो कोकस, इसका नाम है स्टेफाइलो कोकस, स्टेफाइलो कोकस, स्टेफाइलो कोकस। ये झुंड के समूह में रहते हैं, इसमें लिखेंगे ये झुंड के
समूह में रहते हैं, ये झुंड के समूह में रहते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस आरियस, जैसे स्टेफाइलोकोकस आरियस आरियस। तो ये थे आपके इसके बना लेंगे। सबसे पहले कौन सा है? माइक्रोकोकस, जो कि हमने आपको बताया ये अलग अलग समूह में रहते हैं। इस प्रकार से बनाएंगे माइक्रोकोकस। दूसरा है जो धुंड के समूह में रहते हैं डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस तीसरा है जो स्ट्रेप्टोकोकस, ये लंबी श्रृंखला के रूप में रहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस इसके बाद आपका है टेट्रास, यानी कि चार के समूह में रहते हैं। टेट्राड इसके बाद आपका है ससरनी, जो बहुत सारे झुंड के रूप में रहते हैं। और जो स्ट्रेप्टोबैसिलस है उसके श्रृंखला के रूप में होता है। भी आपका जैसे नोट कर लीजिए, बना लीजिए डायग्राम। इसे बना लीजिए और इसके बाद जो कल हम पढ़ाएंगे इसी के आगे का ही टॉपिक होगा, जिसका जैसे ये कोकस है उसमें सभी वैसिलस होंगे, जैसे ये कोकस हैं उसमें सभी वैसिलस होंगे, वो कल हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे।